अस्सलाम वालेकुम दिस इज असल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो तो हमारे पास नाइन्थ क्लास का पेपर कल होने जा रहा है और अभी टेंथ क्लास की बात करते हैं क्लास टेंथ का आज मैथ का पेपर हो चुका है अब हम उर्दू जो क्लास टेंथ है उसकी बात कर लेते हैं आज बच्चे रेस्ट मार रहे होंगे यार अभी पेपर है आगे हमारे पास जुम्मे को अभी तो जुमरात भी पड़ी है बुध भी पड़ा है जुमे को ही है या जुमरात को जुमरात को आई थिंक सो ओहो हो को पेपर है आपका वाह आप लोग के पास अभी कल का दिन बुध है परसों का दिन पूरी जुमरात है दो छुट्टियां उर्दू में इतनी सुस्ती बच्चों में चढ़ी है कि आज कुछ भी नहीं पढ़ना लेकिन भाई मैंने तो पढ़ाना है आज तो इसीलिए आप लोग के लिए ले आया हूँ पुरानी बुक हो नई बुक हो बच्चों का कोई माना नहीं चलेगा यह आखिरी साल इंशाल्लाह होने वाला है ये वाला काम ख़त्म हो जाएगा एक ही बुक हो जाएगी तो लास्ट ये हमारे पास कम्बाइन वीडियो बनने जा रही है तो मुझे उम्मीद है इस साल रिटर्न क्लास की बुकें चेंज कर दें ताकि अगले साल नई बुकों से गैस बनाना पड़े कुछ नई चीज़ आए ये पढ़ा पढ़ा के थक गए तो यहाँ पे हम इन दोनों को डिस्कस करने जा रहे हैं और आप लोग को पहले बुकें दिखा दूँ कि ये पुरानी बुक है जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ी हमने भी यही बुक पढ़ी थी और आप लोग जो अभी पढ़ रहे हो तो वो बच्चे बहुत लकी हो ये बुक सही है जो नई बुक है वो थोड़ी मुश्किल है इस बुक में से आप लोग को बता दूँ कि आपने हमद नात तो लाजमी करनी है वो जो नजमिया जुजू की तशरी के लिए मिर्जा मोहम्मद सईद इसमें से इम्पोर्टेंट है परिस्तान की शहज़ादी उसके बाद आगे अगर आओ तो चुगल खोर माली वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है इसमें से इस्तोल वाला इम्पोर्टेंट है बख्श वाला इम्पोर्टेंट है और ये खतूतों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता यह मॉडल पेपर में डिस्कस करेंगे अगर नजम में बात करें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है तो मैदान कर बला में गर्मी की शिद्दत एग्जैक्टली exactly हमारे पास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो मैं तशरी करूँ गज़लों की तो आप मुझे बता दो आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से समझा दूँगा कि आप लोगों को कहाँ से भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी गर्मी थी रोज़े जंग की मैं क्यों कर करूँ भाई डर है कि मिसले शमा जलने ना लगे ज़ुबाँ वो लोगों के अल्द्र वो हरारत के अलमा, तो ये बड़े मज़े की ये सारे सीन थे हम लोगों को सारी याद होती थी उसके बाद फातमा बिनते अब्दुल्लाम इकबाल की नज़म है इस वजह से इम्पोर्टेंट है किसान हमारे पास इम्पोर्टेंट है आ जाता होता है इसमें से जीवे जीवे पाकिस्तान ऊँट की शादी और माल गोडाम रोड को आप स्किप कर दो इसके बाद हसरत मोहानी की ग़ल है मुसीबत भी राहत फ़ा हो गई तेरी आरजू राहमा हो गई ये जो रास्ता है दया वफ़ा का इसमें बाद सर सर भी सबा हो गई तो ये आप लोगों के पास इम्पोर्टेंट है इसके बाद आदमी आदमी से मिलता है मगर दिल कम किसी से मिलता है ये भी कर लो सर में सौदा भी नहीं दिल में तमन्ना भी नहीं ये भी कर लो और उसके बाद फरहंग हाँ ये वाला दाजाफ्री की करना चाहते हो तो कर लो नहीं तो छोड़ दो <laughs> तो हम अभी मेन आगे आ जाते हैं इस अभी मैं बुकों को नहीं डिस्कस कर रहा इसमें से कौन कौन से हैं क्योंकि ये हमारे पास दोनों बुकों को फिर डिस्कस करना पड़ता है और फिर आप लोगों को कंपेरिज़न कर देता लेकिन अफसोस के साथ जो हमारे पास ये वाली बुक है इस बुक का हमारे पास कोई ख़ास मटीरियल पी डी एफ में आगे दो चैप्टरों के अवेलेबल ही नहीं है अगेन इसमें मिर्ज़ा मोहम्मद सईद है सुबह अखबारों में पढ़ कर दिल धक धक रह गया तो यहाँ पर भी हमारे पास जो था मिर्ज़ा मोहम्मद सईद तेरहवें नंबर पेज पर पे है तो हम जल्दी जल्दी इसको खोल लेते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है मैं पहले कोशिश करता हूँ आप लोगों को बुक से ही ले चलता हूँ तब तक ये लोड होती है तो मैं इसको आप लोगों को यहाँ से पहले का बता देता हूँ कि कौन कौन से इशार करने हैं उसी ने एक हरफ कन से पैदा कर दिया आलम कश की सदाए हाओ हु से भर दिया आलम निज़ाम आसमानी है ये आप लोग के पास आ सकता है इसके बाद हमारे पास ये वाला आ सकता है बशर को फितरत इस्लाम पे पैदा किया मोहम्मद वसल्लम के नाम पर ये किया शैदा किया इसके बाद हमारे पास अगर हम आगे आए तो ये क्वेश्चन है इनको आपने देख लेना है आगे अगर हम आए तो हमारे पास नजम और गज़ल में फ़र्क है इम्पोर्टेंट है आप लोग के पास इसके बाद हमारे पास नात आती है गरीबों की जहाँ को यतीमों के दिल को सुकून आ गया असूल मोहब्बत ये वाला है और ज़माने को आप अपनी मंजिल मुण, मुबारक एक खजरे सर रह गुज़ार आ गया इसमें से क्वेश्चन भी बन सकते हैं तो ये आप लोगों ने कर लेनी है ऐसा ही नसर आ गई जी ये सुबह अखबारों में पढ़ कर दिल धक रह गया सुबह अखबारों में पढ़ कर खबर दिल धक रह गया तो ये इसमें से इम्पोर्टेंट पैराग्राफ आप लोगों को आ सकता है वैसे मैं इसको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नहीं कह रहा पैराग्राफ के लिए इम्पोर्टेंट है ये इससे पैराग्राफ आता है वो कैसे आएगा किस टाइप का आता है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए सारी चीज़ें मैं लोड करके लाया हूँ जिस तरह बंदूक होती है अभी आपको बंदूक दिखा रहा हूँ इसमें गोलियाँ वगैरह सब कुछ लोडेड है तो वो अब आप आगे देखोगे तो ये एक्सरसाइजेज़ ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आप लोगों ने जुमला इसमिया जुमला फेलिया आप लोगों ने करना है खाका करना है और आगे चलें तो नानी बस्ती है हमारे पास नानी बस्ती क्या है इससे नहीं पैराग्राफ आता आप लोगों को नहीं बल्कि आ सकता है आ सकता है इसमें जो ये वाला दिल्ली स्टेशन वाला आ गया है ये इससे इधर से पैराग्राफ आ सकता है तो ये बने बनाए चीज़ें हैं वो अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा तो अगर इस तरह हम कंपैरिजन करते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं जुमला इसमिया फैलिया ये सारा कुछ आप लोगों को पेपर के उस लिहाज से दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे हम इस पुरानी बुक की मैं आप लोगों को गज़लों वगैरह को भी दिखा देता हूँ <laughs> क्योंकि दरमियान में जितनी थ्योरी वाले टॉपिक हैं इनको तो आप लोगों ने करना ही करना है तो इनमें से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बने बनाए आप लोगों को मिल जाएंगे तो आप लोगों ने सिर्फ वही करने हैं यहाँ पे अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो मैं इधर नीचे आ जाता हूँ और देख लेते हैं यहाँ पे अच्छा यहाँ पे अगर बुक वाइज़ कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है मैंने यहाँ पे पिछली एक वीडियो डाली थी फुल बुक गैस की तो मैं उसको अभी ओपन कर लेता हूँ आपके सामने और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने गज़लों शज़लों में से कौन से और नज़्मों में से करना है बाकी पैराग्राफ तो हम देखते ही रहेंगे अस्सलाम वालेकुम अच्छा ये जैसी जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर जो जमात दोम की नई बुक थी अच्छा इसमें अगर हम ये वाला पेज इस बुक में नहीं है ना मसला ये मोहम्मद सईद वाला यहां लग... पे हमारे पास मैं इसको थोड़ा पीछे करता हूं और यहां पे हमारे पास यहां पे हमारे पास प्रोफेसर मिर्जा मोहम्मद सईद आ गया है नानी बस्ती आ गया है चैप्टर और उसके बाद करारदादे लाहौर आ गया है इसी तरह मोची बन गया खोजी इसमें देखो नाम देव मालिया आपने करना है प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद करना है और ख़तूत और रशीद मस्तीकी दोनों बुकों में सेम है इनको भी देख लेने अच्छा जी इसके बाद करबला में गर्मी की शिद्दत वेरी 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 इम्पोर्टेंट और उसके बाद रोशन जमाल को छोड़ दो हमें मिटा सके गरचा ऊँटों पे यार इसमें गज़ल बकवास टाइप इन्होंने गज़ल डाल दी है सारी तो ये सारे करनी पड़ेंगी आप लोग को मैं ज़रा आगे आ जाता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ कि इसमें से जो अच्छा ये हमारे पास यहाँ से ऐसा नज़म शुरू हो जाता है तो कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने ये वाली इम्पोर्टेंट है इसमें अमामा इकबाल की है ये तुझे इस कम ने पालाया गोश मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाओ में ताज सर तमद्दन आफरीन पता नहीं अभी ये नज़र से ही नहीं आ रहा क्या आगे लिखे तो ये वाली आपने एक कर लेनी है इसमें यहाँ से तुझे अपने आबाद से कोई नस्बत नहीं हो सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित तो सैारा गवाद ही हमने जो इस्लाफ से मीरास पाई थी सरैया से ज़मीन पर आसमां ने हमको दे मारा हुकूमत का क्या रोना वो वार्जिश है ये आप लोगों ने करना है इसके बाद और ये इसका पहले जो दो है कभी ए नौजवान कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने ये दोनों करने हैं दो लाइनें पहली दो लाइनें उसके बाद ये वाला तुझे अपने आवाज़ से कोई नस्बत नहीं उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे तलमी वगैरह ये आपने करना है अच्छा इसमें हमारे पास ये कौन सा है गर्मी का रोज़े जंग की क्यों कर बे बयाँ डर है कि शमा जलने ना लगे जुबा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसको आपने लाजमी कंसिडर करना है और अभी हम प्रॉपर पेपर को डिस्कस करते हैं पहले ज़रा मैं आप लोगों को ये इसे दिखा दूं आगे प्रॉपरली आप लोगों को पेपर सारे चैप्टर वाइज में सॉल्व करवा देता हूँ अच्छा टॉपर कभी मेरा नाम आई आई तो सही चलो इसको भी हम उस मॉडल पेपर में डिस्कस करेंगे ये थोड़ी अजीब फजूल टाइप की गज़लें तो चलो ये स्टार्ट ले लेते हैं हम इसको अपने मॉडल पेपर को इसमें आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हमारे पास उर्दू लाजमी का जो क्लास टेन का पेपर है अभी यहाँ पे आप लोगों को नेशनल बुक भी नज़र आ रहा है पंजाब बुक के पी के बुक बलोचिस्तान जहाँ मर्ज़ी से पेपर आ जाए आप लोग हल कर लोगे तो इसमें हम आ जाते हैं अपने मॉडल पेपर नंबर वन पे ए, एम सी क्यूज़ की कहानी आखिर में करेंगे अभी आप लोगों को एम सी क्यूज़ पढ़ने का दिल नहीं है ये अभी आप लोगों ने खुद पता चलाना है ये पैराग्राफ किधर से है अगर आपकी बुक से है तो आप उसमें इम्पोर्टेंट का टिक लगा लेना तो इनमें से भी कुछ मैं छुड़वा दूंगा जिनको कहूँगा इंपॉर्टेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेशक आप वो कर लो ये भी छोड़ दो ये आपने अंदर से ढूंढ के क्वेश्चनों के आंसर लिखने होते हैं तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं ये सॉल्व भी सारा करवा दूंगा लेकिन फ़िलहाल मैं क्वेश्चन ही बता रहा हूँ ये कहीं आई थिंक से खतूत so वाले से आया है तो इसको आपने देख लेना है मिर्ज़ा साहब वाले चैप्टर से ही आया हुआ है इसमें मरकज़ी ख़्याल आप लोगों को लिखना आना चाहिए चैप्टर लाजमी आता है मिर्ज़ा साहब का मशाला क्या था ऊपर सारे जवाब लिखे होते हैं ये आप लोग वहाँ से देख के कर लेते हो आराम से टेंथ क्लास के बच्चे हो आप लोगों को अब तो पता ही होगा ये किस तरह लिखती हैं अगर आगे आते हैं तो मेन चीज़ के इम्पोर्टेंट शेयर और वो सारी ये पैराग्राफ मेरे लिहाज से बस गुजारा ही है इसको कर लो अगर इस तरह का आ सकता है तो इसको मैं इम्पोर्टेंट मैं अपनी डिक्शनरी में कंसिडर नहीं करूँगा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट अशार है मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है तेरी आरजू रहनमा हो गई है उसी ने एक हरफ कन से पैदा कर दिया दियाम कशाकश की सदाए हाउ हू से भर दिया आलम यूं तो मेरे शहर की सड़कें लाजवाल लेकिन एक सड़क ऐसी है जिसकी नहीं मिलती मिसाल ये समा और एक कवि इंसान यानी काश्तकार इर्तका का पेशवा तहजीब का परवरदिगार उसके बाद ये सारी इंपॉर्टेंट है मैं ठीक क्यों लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए लाया ही मैं एक्सट्रैक्ट एक करके इंपॉर्टेंट मटीरियल हूँ गर्मी का रोज़े जंग की क्यों कर करूँ बयान डर है कि मिसले शमा जलने ना लगे जबाँ तो आप लोग बुक को तैयारी करने को छोड़ो इसको यहाँ से तैयारी करना शुरू कर दो ये निशान लगा लो अपनी बुक पे जा के इतना होमवर्क आप लोग खुद करो मुसीबत भी राहत फजा हो गई है तेरी आरजू रहनमा हो गई है इसका मरक़ी ख्याल लिखना है आपने इसके बाद अल्लाह ताला ने कौन सी कायन कहकर कौन सा लफ्ज कह कर पैदा की हरफ कौन शायर किस सड़क को बे मिसा, मिसाल कह रहा है यहाँ पे देखो अपने गाँव की सड़क को उसके बाद नजम में दूसरे शहर में किसान की किस अल्फाज से तहसीन की है इसी तरह इन्हीं से यही इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप पेपर में देख लीजिएगा तो मीर मीरिस ने पहले बंद में जबाओं को किस चीज़ से तशबी दी है शमा से उसके बाद शायद जंग के रोज़ गर्मी की शिद्दत को बयां करने से क्यों डर रहा है इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर चाहते हो कि मैं जवाब के साथ प्रॉपरली आप लोग कराऊं, अभी फ़िलहाल इंपॉर्टेंट निशान लगवा रहा हूँ इनसे ये सवाल बन सकते हैं सवाल पॉसिबल भी बना के मिठाई की तरह आप लोग के गले में डाल दिए तो अब भी अगर आप कंप्लेन करो तो फिर गलत बात है कवायद में से क्या आ सकता है तुम में कोई हुरों का चाहने वाला ही नहीं जलवा तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं इस शेर में होने वाली सनत जो भी यूज़ हुई है उसकी निशानदेही करनी है आप लोगों ने हम कैसी नजम को कहते हैं यह आपने बताना है इसके बाद शाहरुख असलम का भाई है इस जुमले की आपने तरकीब नवी लिखनी है तो ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने है इसको बेशक स्क्रीन शॉट ले लो और साथ साथ सॉल्व करो कि आप लोग कितने दूध में हो कितने पानी में अगर चाहते हो मैं इसका पूरे का पूरा सोल्यूशन ले के आऊँ तो वो बहुत लंबी वीडियो आएगी आप लोग बस कमेंट करो सौ कमेंट्स आ जाते हैं थोड़े बहुत बच्चे भी कहेंगे मैं कर दूंगा अगर मेरे पास टाइम हुआ तो इसके बाद इस तारह की तारीफ इम्पोर्टेंट है इसके बाद आप लोगों को जो पैराग्राफ आ सकता है वो अगेन ये लामा इकबाल वाले चैप्टर से आ सकता है या दूसरा देखो पुरानी दोस्ती का वास्ता देता हूँ मुझे उसकी ज़रूरत है थोड़ा सा रुपया कर्ज दो तो ये भी आप लोग देख सकते हो ये दो पैराग्राफ हैं इसमें से मैं कहूँगा पहले वाला देख लो इसके बाद जो हमारे पास नज़मियाँ जो जजू हैं गर्दा पर था शोला जवाला का गुमा अंगारे थे हबाब तो पानी शरर फिशाँ मुँह से निकल पड़ी एक मौज की ज़बान तय पर थे निहंग मगर थी लबों पे जहाँ पानी था आग गर्मी रोजे साब थी माही जो सीखे मोज तक आई कबाब थी वाह तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बाद दो आलम का मददगार आ गया अमी आ गया गमगुसार आ गया फजूल आप लोगों को कोई चीज़ करवा ही नहीं ना यही पेपर में आनी आंखें बंद करके कर लो ये सारा आप लोगों के सामने आ गया इसके बाद गजलिया जुजू जो आ गए मैं दरमानदा हूँ इस बार गाय का गुनागार हूँ ख़ता हो गई ये तेरे रुतबा दाने मोहब्बत की हालत तेरे शौक़ में क्या से क्या हो गई ये उसके बाद आदमी आदमी से मिलता है दिल मगर कम किसी से मिलता है भूल जाता हूँ मैं उस मैं सितम उसके वो कुछ इस सादगी से मिलता है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास दोनों पे मैंने टिक लगा दी है दरख्वास यार कोई भी टॉपिक आ जाए आप लोग वो लिखनी आनी चाहिए वो बीमारी की हो उसमें एक लाफ़ बीमारी का लिख दो छुट्टी लेनी हो सिर्फ छुट्टी बाकी सारा वही होता है तो यहाँ पे ज़िली नाजिम वाली दरख्वास्त आपने प्रिपेयर कर लेनी है दरख्वास में मैं नहीं कह सकता ये आएगी वो ओ भाई कोई भी दे दे आप लोग को सिर्फ लिखना आना चाहिए इसमें कौन सा रट है उसके बाद अशारात की मदद से हमारे पास जो मज़मून है इसमें पसंदीदा शायर वाले को टिक लगा लो यही बंदा अपने पास से कहानियाँ लिख लेता है इसमें कोई यादगार ऊपर से पॉइंट भी दिए हुए हैं कि ये ये बातें लिखनी है आपने तो फिर क्या चाहिए आप लोगों को अच्छा हमारे पास सोल्यूशन है भाई इसका सोलूशन चलो इसको बाद में करेंगे अगर हुआ तो नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है मैं आप लोगों को ज़ुबानी ये सारा करा दूँगा उर्दू में आप लोग जो कुछ करना चाहते हो वो आप लोगों को मैं उस पर वीडियो बना दूंगा आप लोगों का पेपर फुल नंबर आपने इसमें स्कोर करने हैं भाई एक नंबर भी आपने कहीं मिस आउट नहीं होने देना अच्छा आगे आगे ये भारत को गौर से पढ़कर आपने सवालत के जवाब का यहाँ पे सात जवाब की जगह इसने काट दी है अब यहाँ पे सारे सवाल के जवाब आप लोगों को देने पड़ेंगे ऊपर समझो चॉइस ख़त्म हो गई है ये कौन सा मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है इस पर मैं स्टार मार्क कर देता हूँ ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है इसको इंपॉर्टेंट पैराग्राफ की लिस्ट में डाल दो अपनी बुक पे आगे निशान आई लटर कुछ भी लगा लो इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मरकजी ख्याल सारे पैराग्राफों में से क्वेश्चन बनेगा आँखें बंद करके इसको कर लो उसके बाद मुसलमानों ने अपने दीन मामला में आज़ादी कब ख़त्म होती नज़र आई सारे इसके जवाब आप ऊपर लिखे हैं उसके बाद सुल्तान टिपू ने जद्दहद में क्यों नहीं कमयाब हो सका ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है इसके बाद अगर हम नीचे आए तो हमारे पास आता है सही शेर दर्जल को गौर से पढ़ें और पाँच सवाल के जो आवादे अगेन आदमी आदमी से मिलता है दिल कम किसी से मिलता है इसके बाद यह भी अगर करना चाहते हो तो दूसरा कर सकते हो बल्कि ये क्वेश्चन आंसर है इसमें कर लो नया ये आज के पर्चे ने गुल खिलाया इसमें से सिर्फ ये एक, एक शेर कर लो और उसके बाद नहरे अलकमा वाला कर लो ये बेशक टांगे वाला छोड़ दो या इसको भी कर लो क्योंकि ऊपर जवाब आप लोगों को इसी में दिया हुआ है शेर का मज़गी से ख़्याल लिखना है इसका आदमी आदमी से मिलता है इस तरह अल्लाह ताला ने इंसान की किन नेमतों को नवाजा है नज़म में शायर ने नया गुल खिलाने का जिक्र करके किस तरफ इशारा किया है मजकूरा सड़क सर, सर, पर घोड़ों पर क्या बीती इसके बाद दूसरे बंद में नहर के लब से क्या मुराद है शहर में नहर अलकमा से क्या मुराद है दरियाए फरात के किनारे ये नहर थी उसका नाम अलकमा था अच्छा ऐसा एक वायद की बात करें तो हमारे पास पत्ता पत्ता बूता बूता हाल हमारा जाने हैं जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने इसमें कौन सी सनत यूज हुई है शेर में ये आपने बतानी है इसके बाद नज़म की तारीफ करें और अगर आप लोग एक और मेरे जहन में चीज़ आ रही है अगर आप चाहते हो यार आप इंपॉर्टेंट पैराग्राफ की अलग वीडियो बना दें विद सॉल्यूशन, तो वो हम कर लेंगे प्रॉपर क्वेश्चन आंसर करा दूंगा फिर हिस्सा शेयर की एक अलग से वीडियो उसमें सारी बुक के हिस्सा शेयर फिर हिस्सा कवायद की तो ये वाला अगर आइडिया ठीक है तो कमेंट कर दो इस तरह कर लेते हैं तो इस तरह चार पाँच वीडियो बना दूंगा आप लोग जो जो आप लोग को नहीं आता वो आप लोग कर लेना लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ इसमें नंबर आप लोगों के फुल आने चाहिए सारा पेपर यहाँ से आएगा एम सी क्यू सब कुछ इसका जो गैस है मैं हंड्रेड परसेंट इस पर कॉन्फिडेंट हूँ उसके बाद जो आपका पैराग्राफ आ सकता है ये कौन सा है भाई इसको देख लेना यार तशरी बंदा अपने पास से कहानियाँ लिख सकता है तो कॉपी वाला इसमें से कर लो अगर करना है तो उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ की तशरी इसी पैराग्राफ को आगे अपने डिटेल में करके अपने पास से कहानियाँ लिखनी होती हैं और कौन सा इसमें तो इसकी मैं आप लोगों को टिप्स वगैरह दे दूँगा पैराग्राफों की तशरीओं पर मैं इतना टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता तो ये सारे बच्चे ही कर लेते हैं मेन गज़ल नज़म पे आगे वो हो जाता है उसके बाद ये वाला इम्पोर्टेंट है नयाज परचे ने गुल खिलाया ये भी कर लो समझा मैं आप लोगों को सारी दूँगा सिर्फ आप लोगों ने एक बार वीडियो देखनी है बस आप लोग खुद से ही लिखने के काबिल हो जाओगे इसके बाद सर में सौदा भी नहीं दिल में तमन्ना भी नहीं लेकिन इस तरह के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं एक मदत को एक मदत से तेरी याद भी ना आई हमें और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं ये वाला आपने करना है इसके बाद ये जो बी है ये अदा जाफरी वाला आ गया पुरानी बुक है नई बुक है ये आप लोगों ने आंखें बंद करके करनी है भाई नहीं समझ आई बताओ नीचे वीडियो बना के समझा दूंगा तो पेपर इस बार मैथ का भी देख लो तो इस तरह फेडरल बोर्ड आप लोग पेपर इस बार थोड़े सख्त बना रहे हैं बिल्कुल ईजी वाला सीन नहीं है अब ये फ़खर तो हासिल है कि बुरे हैं कि भले हैं दो चार कदम हम भी तेरे साथ चलें यह जाफ़री की गज़ल है इसको भी आपने करना है जलना तो चिरागों का मुकद्दर है अजल से ये दिल के कमल हैं कि भुजे हैं ना जलें है। इसके बाद जिसका काम सा, उसी को साजे के कहानी आंखें बंद करके कर लो इसके बाद आप लोगों ने जो इशारात की मदद से मजमून है उसको तहरीर करना है नया मैंने 2024 का पैटर्न अपलोड कर दिया उसको देख लेना है हल्का फुल्का बस पैटर्न की चेंज है कि कुछ नहीं है इसके बाद साइंसी एजदाद और सफाई के फ़ायदे है तो इसमें से आप लोग सफाई के फ़ायदे वाला कर लो इसमें भी कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं टॉपिक के बाद उसने इतने सब टॉपिक दिए हैं इस पर बंदा कुछ ना कुछ लिख ही लेता है अपने पास से फिर भी अगर नहीं लिख सकते बताना मैं एक दो बार खुद से आप लोगों को करवा दूंगा तो आप लोगों का जहन खुल जाएगा सीधा आपके जहन को लॉक लगे हुए हैं रट्टे पे लगे हुए हो बस बीमार मुर्गी की तरह आप लोग तो उससे बाहर नहीं आ पा रहे यहाँ पे हम आगे आ जाते हैं ये कहानियाँ शानियाँ मैं सारी अलग से दिखा दूँगा इम्पोर्टेंट कहानियाँ और ये सारी चीज़ें हम बना लेंगे अच्छा आ गया जी किधर गया मॉडल पेपर चैप्टर वन टू थ्री आ गया तो चैप्टर आगे किधर गया वन से थ्री कोई एक्सेस पे जाते हैं यहाँ पे कहीं मिल जाएगा हमें ओपन फाइल लोकेशन ये लो जी चैप्टर थ्री टू एंड आ गया हमारे पास अच्छा इसको देखते हैं अभी अभी मिनट तो हो गए हैं तक हम दो चैप्टर पे ही हैं तो ये हमारे पास हमारा आ गया तीसरा मॉडल पेपर है इसको हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं और नीचे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन पेपर पे हम आ गए तो इसमें आप लोगों ने यह भारत देख लेनी है आप लोगों के पास सैदानी बी वेरी 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 वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट मैं जैसे रेड पेन ले लेता हूँ और इसको हमारे पास स्टार लगा देता हूँ ये इम्पोर्टेंट है सैदानी बी का एक वक्त में बड़ा दौर दौरा था अच्छा ये वहाँ से लेकर आप लोगों ने कहाँ तक निशान लगाना है जी आ, बैठे रहते थे तरबियत के लिए सारा बच्चे ऐसे गर्विदा हुए कि दिन रात सैदानी बी के पास बैठे रहते थे भारत का चुपचाप मर्जी ख्याल रखना है मीर साहब ये जितो क्वेश्चन बन सकते हैं ये इसमें से बने हैं इनको नोट डाउन कर लो या लिख लो इनका सिर्फ जवाब ऊपर से देख के लिखो ऊपर वीडियो कर लो उसका स्क्रीन ले लो इसको ले लो कापी पेंसिल निकाल लो प्रैक्टिस करो इसकी इतने सुस्त आप लोग प्रैक्टिस करोगे अच्छा इसके बाद सर मैं सौदा भी नहीं दिल में तमन्ना भी नहीं इम्पॉर्टेंट है ये बेशक ना करो दरमियान वाला निज़ाम आसमानी है उसी की हुकुमरानी है बाहर जावेदानी है उसी की बागबानी है तो इसके बाद ये वाला भी कर लो ये दरमियान से दोनों छोड़ना चाहते तो कर लो नहीं तो ये भी बहुत आसान है अच्छा सर में सौदा भी नहीं इसका मरकज़ी ख्याल लिखना है आपने नकेल पढ़ने से शायर की क्या मुराद है अच्छा ये मैं बताता हूँ मेरे बने को मुबारक हो ये खुशगवार घड़ी कि सर का दर्द बढ़ा नाक में नकेल पड़ी ये आप लोग की वो उस टॉपिक पे है कि शादी के बारे में कि वो दूल्हे को मुबारकबाद दे रहा है इस खोशगवार घड़ी की और साथ साथ ये भी बता रहा है कि अब उसके सर का दर्द मतलब उसके ऊपर ज़िम्मेदारियों का जो बोझ है वो बढ़ जाएगा और नाक में नकेल पड़ने से ये मुराद है पहले अब वो आज़ाद था जहाँ चाय चला जाता था जहाँ मर्जी घूम जाता था तो अब उसके ऊपर घर की ज़िम्मेदारियाँ पड़ गई हैं तो वो हर जगह फ्री दिमाग लेके नहीं घूम सकता कोई टेंशन नहीं इधर जा रहा है उधर जा रहा है अब टेंशन होगी उसके साथ सर का दर्द बढ़ गया ये वो कहानी है इसमें अपने पास से कोई घोड़े का नहीं लिख देना कि घोड़े के नाक में नकेल पड़ी तो पता नहीं क्या हुआ तो ये अपने पास से कोई चवल इधर नहीं मार देनी तशरी समझ लेनी है नहीं तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा उसके बाद निज़ाम आसमानी है बहार जावेदानी से शायर की क्या मुराद है मतलब अल्लाह ताला का जो निज़ाम आसमानी है अल्लाह ताला उस पर कुमरान है उसकी कुदरत जो है हर जगह है बहार जावेदानी का मतलब होता है ऐसी बहार जो हमेशा रहने वाली है और वह ख़ुदा ताल की ज़ाती है जो हमेशा रहने वाली है उसके बाद शायर ने नज़म के आखिरी शेर में किस चीज़ की तरफ़ तोजो दिलाई अब यह कौन से शेयर के बारे में वो कह रहे हैं इसके बारे में वो कहता है सोचता हूँ कब मेरे वजीफे की तरह इस बदहाली का आता है हुकूमत को खिलाफ वो सड़क टूटी पूटी है अभी देखो शेर से ही मुझे पता चल गया कि ये किस बारे में बात हो रही है तो कहता है कि काश हुकूमत को इस सड़क के बारे में भी ख्याल आ जाए इसको बना दो भाई जिस तरह मेरे वजीफे का उनको ख़्याल नहीं आता वजीफे का मतलब इस्कॉलरशिप होती है आजकल के बच्चों को अब उर्दू भी नहीं आती उजाले और अंधेरे और ख़ुश तर्क इसके मजायरे हैं अल्लाह ताली की कुदरत के मज़ायरें उसी की शान है इसके बाद नजर नज़र आती है सब में उसी की शान इसका वजात क्या करनी है हमने अल्लाह ताला की कुदरत हर जगह हर चीज़ उसी की जो है वो सरपरस्ती के अंडर इसके बाद आप लोगों ने ये इस शेर में सनत की वो करनी है कता कैसी नज़म को कहते हैं ये करना है इसके बाद तरकीब नेवी वाला एक आता है आप लोगों को करनी यानी जी मजाज़ मरसल आता है इसको आप लोगों ने करने है। इसके बाद हमारे पास ये ख्वाजा साहब वाला आ जाता है कार में बैठा तो गलबन उसके लामा इकबाल की बातें पूछ पूछ कर अच्छा ये अलीब्श वाला आ गया इसको कर लो इसके बाद ये मिर्ज़ा साहब वाला भी कर लो और उसके बाद अगर हम नीचे आए तो सड़कों वाला कर लो ये काश्तकार वाला करो ये इरतक़ का पेशवा तहजीब का बरदर्दिगार ये आ जाएगा इसमें से अगर आप गजलिया जुज़ु में करोगे आप कहोगे फिर सारे ही बता रहे हैं आप इसमें से एलिफ वाला छोड़ दो यूं तो हंगामे उठाते नहीं दीवाना इश्क मगर है दोस्त कुछ ऐसों का ठिकाना भी नहीं ये वाला कर लो आप लोग इसमें से उसके बाद देहात में मरक़ क्या मेरे ख्याल से जो दरख्वास्त और कहानी है दोनों में च्वाइस आ गई है दोनों आप कर सकते हो लेकिन फिर भी एक बार हम पैटर्न देख लेंगे ये किसका है इसी का है ना यार ये देख के अभी बता देता हूँ आप लोगों को क्या सीन हुआ इधर हाँ कोई चॉइस नहीं है यार कोई चॉइस नहीं है दो हज़ार चौबीस वाला ही है ना ये पता नहीं कौन सा डाउनलोड मैंने कर लिया है हाँ दो हज़ार चौबीस वाला ये तो इसमें कोई आप लोगों के पास कहानी है देखो आहसान का बदला आहसान और भाई यह कहानी आएगी यह दरखास्त आएगी सीधी सीधी फिर बात है यहाँ पे भी च्वाइस दे देते दे तो फिर बच्चों के लिए आसानी हो जाती तो दरख्वास कर लो यार कहानी भी लिखनी आनी चाहिए इसके बाद मजमून लिखना है तंदुरुस्ती शेरी दे आई ज़िंदगी वाला कर लो मैं कहता हूँ दूसरा भी इसमें क्या रटा लगाना है दोनों कर लो या कोई भी ना करो वो फिर भी अनसीन ही आ जाते इसके बाद अल ये जो टॉपिक बता रहा हूँ इनमें सभी आने के चांसेस होते हैं सेवेंटी एटी परसेंट आने के चांसेस होते हैं बाकी थर्टी परसेंट को कुछ पता नहीं होता अच्छा आगे थर्ड वाला मॉडल पेपर है इसका ये सारा सोल्यूशन है इतनी तस्वीरें लेता रहा था मैं यहाँ पे हम आगे आ जाते हैं जी यहाँ पे ये गया चौथा जाने दो भाई वीडियो जितनी लंबी जाती है उसको जाने दो तो आप लोगों का काम हो जाना चाहिए पहले क्वेश्चन आप लोगों को पता चले जाने चाहिए यहाँ पे हमारे पास उर्दू शायरी में ईद का चाँद देख लो यार इसको कर लो ये हमारे पास पैराग्राफ है ये इसके हमारे पास आंसर हैं और पैराग्राफ दोबारा दिखा देता हूँ हम डायरेक्टली ईस्ए नज़म पे आते हैं नाजुक थे रंग सलम नाजुक थे कहीं रंगे गुलो बुए समन से जज्बात के आदाब के सांचे में डेले हैं ज़माने को अपनी मंजिल मुबारक मेरे बनने वाली ये करो सारे यार इसके बाद इसमें है ही ज़्यादा नहीं वही रिपीट होते जा रहे हैं बार बार फजूल <स्थिण> चीज़ डाली हुई नहीं है फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कुछ छोड़ना चाहते हो तो ये छोड़ दो इसके बाद इसका मर्ज़ी ख्याल लिखना है सड़क पर चलने वाली किन सवारी का उलिया बिगड़ता है तो जीप लड़खड़ा आ जाती है तो इसमें याद नहीं करना ये इसमें जो मर्ज़ी आ जाए क्वेश्चनों में ऊपर जवाब लिखा होता है खिजर से मुराद कौन सी हस्ती है तो एक अल्लाह ताला की नेक हस्ती है जो लोगों को रास्ता दिखाती है भटके वो को राह दिखाती है दरियाए फरात पर पानी का क्या असर हुआ तो पानी खोलने लग गया अंदर लिखा है सारा कुछ अच्छा यहाँ पे तीन जगह जवाब देने हैं अगेन सनत की निशानदेही आपने करनी होगी कसीदा तरकीब नैवी काफ़िया और रदीब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बाद सलमानिया ये वाला इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है दूसरे को बेशक छोड़ दो इसके बाद उसने अरफ कन से पैदा कर दिया फ़ातमा तो अब रूए उमत मरूम है ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें साथ में ये पार्ट भी है अल्लाह के रास्ते में बेहता वो सफ़र है जे सारा तफ़री ये शौक शहादत किस कदर इसके बाद गज़ल में आ जाए तो आज क्या बात है फूलों का ये वाला भी इम्पोर्टेंट है ये वाला भी देख लो एक शमा बजाई तो ये बड़ा आखिरी इसका शेर बड़ा अच्छा शेर है तो नहीं करना चाहते तो छोड़ दो इसको लेकिन ये इसका आखिरी शेर बहुत मज़े गए इसके बाद अगर हम आगे आए तो ईदेन आ जाती है इलामा इकबाल इसमें से कर लो ईद आगे आ रही है क्या पता ईद वाला ही डाल दें फिर भी एक नज़र इसको देख लेना फेडरल बोर्ड के एग्जामिनर्स का को भी कोई पता नहीं होता नहीं तो बल्कि आपका पेपर पहले है ईद बाद में आ रही है इलामा इकबाल को ही करो अच्छा यहाँ पे हम आते हैं तो रेलवे टिकट वाला आपने लाजमी करना है उसके बाद ये देख लो भाई पैराग्राफ देख लो मैं आराम आराम से नीचे करता हूँ ये और फिर ये ये सारे इसके क्वेश्चन आंसर हैं इनको देख लो और उसके बाद अगेन एक शमा बुझाई तो कहीं और जला लेंगे मैंने कहा था ना वो आखिरी शेयर कर लो आगे आगे इम्पोर्टेंट था वो तो इसके बाद इसके बाद हमारे पास ये आखिरी वाला देखो बीच में से मैंने नहीं आप को करवाए वो नहीं थे इंपॉर्टेंट मेरी नज़र में तो छुड़वा दिए मैंने इसके बाद इनके जवाब हैं ये सवाल हैं जवाब आपने ऊपर से देख के लिख लेने हैं तो सोल्यूशन जब मैं करवाऊंगा तब आप को करवा दूंगा फिलहाल आप लोगों को निशान लगवा रहा हूँ कि भाई ये इस, इस तरह का पैटर्न है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये कर लो इसके बाद सनत है मरसिया है इंपॉर्टेंट है मजाज़ मरसल इंपॉर्टेंट है इस जुमले की तरकीबें नवी लाजमी तरकीबें नवी वाला एक सवाल आएगा करनी आनी चाहिए मैं इस बार कपड़ा पड़ा था ये कौन सा है भाई <laughs> इसके बाद ये दूसरे वाला करना है तो इसमें से दूसरे वाला कर लो ये दोनों ना करो इसमें से ये जो ये वाला शेर है अपने सहराम है आओ वो पोशीद हैं या इसको छोड़ दो बेशक ये इसमें से कोई भी नात में से ही में से आ जाए तो इसमें आप अपने पास से ही वही अल्लाह ताला की तारीफ़ और आप की तारीफ़ करनी होती है तो इसमें कोई मसला नहीं है आप लोग लिख सकते हो थोड़ा सा इसके रिलेवेंट लिखो बाकी अपने पास से लिख दो तशरी लंबी कर दो ये वाला इंपॉर्टेंट है इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है ये वाला इंपॉर्टेंट है ये वाला इंपॉर्टेंट है बल्कि ये हैं ही दो, दोनों इंपॉर्टेंट है दरख्वास्त लिखनी है पीने का साफ पानी इलाके के नाजिम के मुताबिक नाजिम को लिखनी है मेहनत की बरकतें कर लो योम आज़ादी गुजर गया आपका ये अभी बड़ा चौदह अगस्त आगे दूर है तेईस मार्च गुजर गया उसके बाद हमारे पास आगे आता है छट्टा वाला पेपर हम इसको देखते हैं ये हमारे पास है भारत को पढ़ के अपने सवाल के जवाब लिखने है। तो की चुगल खोर वाओ इम्पोर्टेंट वेरी 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 इम्पोर्टेंट ये मैं जिन पर स्टार लगा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है निशान इसका लगा लो नई बुक है या पुरानी है जहा मर्ज़ी से इसको लाजमी करो ये उसके सवाल के जवाब हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे सवालों के जवाब आप लोग करो च्वाइस वॉइस यहाँ पर ना ढूँढो ऐसा ये शेर आ गया आज भी गफलत है इम्पोर्टेंट है दो आलम का मददगार ये भी इम्पोर्टेंट है ये निह वाला भी ये भी इम्पोर्टेंट है अगेन इसके सवालों के जवाब हैं इनके आपने देने हैं और उसके बाद अगर हम ऐसा कवायद पर आ जाएँ तो अगेन इस शेर में होने वाली सनत आपसे पूछेगा कि कौन सी हुई है अगर हम इस पेपर में भी आके देखें तो क्या पूछता है वो हमारे से इधर देख लो कौन सी असलाह इस्तेमाल हुई है कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है उसके बाद कनाया की तारीफ़ आपने करनी है लाजमी तरकीब ने भी वहाँ पर नहीं दिया लेकिन लाजमी करो ये आता होता है उर्दू शायरी आ गया नाम दे माली ये वाला दूसरा बी पार्ट इसका करना है इसके बाद अब होगा इंसान को इंसान का इरफ़ान जीवे जीवे पाकिस्तान छट दो उसके बाद हमारे पास ये जो है इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट है ये भी सच में बरकत के लिहाज से आपने कहानी करनी है और कायद अज़म है और अब वतन है इसमें से कायद अज़म कर लो आगे हम आते हैं हमारे पास ये पैराग्राफ और चुगल खोर रहता था ये तो कर लिया ना यार अच्छा ये वाला पैराग्राफ आ गया ये पैराग्राफ आ गया इसमें हमारे पास नाम दे माली अगेन इम्पोर्टेंट है इसको करना है आपने और ये आप यहाँ से देख सकते हो इसके बाद ये इसके सवालों के जवाब हैं और है इसमें अगर हम आए तो आज क्या टीम ये किसान से आया हुआ है ये इसके सवालों के जवाब है ये आप लोगों ने देख के लिखने हैं कि आप ऊपर से ये अशार को पढ़ के इसके जवाब आप लोग को आते हैं या नहीं आते नहीं आता मुझे बता देना सोल्यूशन की अलग से वीडियो बनाऊंगा अभी बहुत लेट हो जाएंगे अगर एक एक में कराने लग जाऊं दो तीन घंटे वीडियो क्रॉस कर जाएगी इतनी फिर कोई देखता ही नहीं है आप भी तंग हो जाओगे मैं ख़ुद भी तंग हो जाऊंगा मुसदस इसमें से इंपॉर्टेंट है तशबी इंपॉर्टेंट है बाकी तरकीबें नवी और वही बार बार नहीं मैं बता रहा हूँ उसको करना ही करना है अच्छा जो बातें ऊपर गर्ज की गई हैं क्या है ये दूसरा अली बख्श वाला करो इसमें से उसके बाद मन पंछी क्या सर के लाए इसको छोड़ दो वाला इसमें से क्या है हाँ गर्मी का रोज़े की ये इम्पोर्टेंट है करना है नीचे वाले को क्रॉस कर दो ये क्रॉस कर दिए बात ये है दिल ये लाजमी करना है ये वाला नीचे वाला छोड़ दो ऊपर वाला आपने करना है उसके बाद आप लोग का ख़त किसके दरख्वास्त किस पे बाज़ार में नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की ये है तारीखी तलीम नस्वाँ वाला इसमें से मज़मून आता हो तय करो अच्छा जी आगे चलते हैं यहाँ पे हमारे पास लामा इकबाल इम्पोर्टेंट ये देख लो एक रोज़ से शुरू हो रहा है और आप लोगों का स्क्रीन शॉट ले लो यार अगर नहीं है आप लोगों के पास तो ये हमारे पास किधर ख़त्म हो रहा है पान हो या उक्का मैं दरमांदा हूँ बरगा का ये इंसान को इंसान का इरफान होगा आऊ पोशीदा इसको भी कर लो इसको भी कर लो ये इनके सारे जवाब हैं ये देख लो इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इनको हल करो कवायद में शर अशोक कैसी नज़म को कहते हैं अरकान तश्वी बाद बादल के शाकिर साहब है पाकिस्तान वाला कर लो उसके बाद रक्स कितनी ये इम्पोर्टेंट है उसके बाद शेर उठते हैं अगेन इम्पोर्टेंट है ये सारा इम्पोर्टेंट है इसको कर लो गजलिया में कौन सा है इस पहले वाले को छोड़ दो दूसरे को भी छोड़ दो राशन डिपो के ख़िलाफ़ दरख्वास्त लिख लेना है दरख्वास्तों के जो बच्चे टॉपिक्स मांगते हैं यही टॉपिक्स हैं यार ये कर लो इन में कोई रटा नहीं लगाना होता जो इम्पोर्टेंट बता दो कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं होती अपनी मर्ज़ी से वो देते हैं इन्हीं इन्हीं के अंदर से ही कोई ना कोई आ जाएगी ये काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर से आ जाती होती है पिछली बार भी यहाँ से ही कोई ये आ गई थी आप इस जम जम है और शहरी ज़िंदगी के मिसाइल हैं इसमें से शहरी ज़िंदगी के मसाइल कर लो अच्छा आगे चलते हैं हम इस्तांबुल ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छा ये इसके सवाल जवाब हैं ईसाई शेयर में अगर आ जाओ तो ये इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट है आखिरी वाला कर लो और इनके सवाल के जवाब ले लो इनका यहाँ पे स्क्रीन शॉट ले लो एंड तक इसके बाद ईसाई इस कवायद की अगर बात करें तो रबाई को छोड़ दो और बाकी आपने देख लेने इसके बाद गाड़ी को जुम्बिश हुई तो वह दौड़ कर ये इम्पोर्टेंट है ये कर लो और उसके बाद बे पार्ट इसका क्या है अगले वक्तों में चुगल खोर रहता था ये वाला भी कर लो और उसके बाद मियाँ शुतान को छोड़ दो बेशक इसको भी छोड़ दो बदनीति के अंजाम पर कहानी आप लोगों ने लिखनी है कहानियाँ कराऊंगा आप लोगों को जहन में नहीं होगी कौन सी इस पे क्या कहानी हो सकती है अपने पास से कोई ना गाड़े देना जो चलती आ रही है वही लिखनी है पता चले अपने पास से भी हमारे पाकिस्तानी बच्चे होते हैं ना कि ये भी सर कहानी थी उस सर ने कभी सुनी ज़िंदगी में ना होगी तो फिर नंबर ऐसे ही देगा ये चलाकियाँ भी बच्चे करते हैं वक्त की पाबंदी वाला कर लो इसके बाद अगर हम नीचे आए तो नीचे आए तो हमारे पास ये पैराग्राफ आ जाता है और इसमें क्या है पब्लिशर मिर्ज़ा साहब से नावल लिखवाएं ये वाला कर लो और अगेन ये देख लो यहाँ से लेकर कहाँ तक है वासराय हिंद भी था इसके बाद इसके हमारे पास सवाल जवाब आ जाते हैं ऐसा ईसाई शेर में आ गया ये इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंट ये इसके साथ में नीचे सवाल भी लिखे हैं इनके जवाब देख के लिख लो और ये दो और सवाल भी हैं इसके इसके बाद हमारे पास मुखमस और मुसदस रदीफ़ और काफिया सर सैद अहमद ख़ान वाला कर लो और ये क्या है छोड़ दो इसको अच्छा ये झीलों ये वाला लाजमी ये सारी गज़ल करनी है नगु इसमें से ये इतनी नहीं आती इसको छोड़ दो इसमें से ऊपर वाले इसके शेयर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंपौर्टन्ट. अगर करना है ये भी कर लो इसके बाद हमारे पास सुरनगु रहती है इसको भी छोड़ दो यार इस किसान में ऊपर वाले और शेर भी इम्पोर्टेंट है आ भी जाता है बस किसान के बारे में लिखना शुरू हो जाओ इसके बाद इनको भी छोड़ दो ये वाला दरख्वास्त कर लेनी है आपने से सारी एक एक नज़र देख लो कि इसमें लिखना क्या है दिलचस्प सफ़र फ़ोन का इस्तेमाल या सोशल मीडिया इस टाइप का तैयार कर लो आगे चलते हैं जी ख़त्म हो गए हैं देखते हैं यार अल्लाह करें ख़त्म हो गए हो अच्छा आगे दरख्वास्तें आ जाती हैं तो चलो ख़त्म हो गए शुक्र है तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को अगर चाहते हो कि डिटेल में हम इसको मज़ीद डिस्कस करें हमने दोनों बुकों का कंपैरिजन करके चीज़ों को क्लियर आउट कर दिया कि आपका पेपर किस तरह का आएगा आ, सब्जेक्टिव सारे का सारा हमने डिस्कस कर लिए। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट करो लाफ इज़ टेक केयर